हेलो एवरीवन, आई एम सोनम एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स फ्यूजन। तो आज हम बनाएंगे बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आने वाली कस्टर्ड कुकीज, और वो भी बिना मैदे के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बोल में लेंगे आधा कप बटर, ग्राम्स में बोलूँ तो 100 ग्राम्स ऑफ बटर। उसे हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। और हाँ, ये जो बटर है ये हमें सॉफ्ट लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा मेल्टेड और ना ही सॉलिड फॉर्म में। तो इसे बस थोड़ा सा बीट करने के बाद देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो ये 2/3 कप मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ली है, अगर ग्राम्स में कहेंगे तो 60 ग्राम्स ऑफ शुगर। तो बस इसे तब तक हम अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक ये पूरा क्रीमी ना हो जाए। और हाँ, बीच में साइड्स को ज़रूर स्क्रेप करिएगा। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर और गेहूं का आटा। यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली मैदे से ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा, बट नो डाउट आटे से भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दूध एज पर कंसिस्टेंसी। मैं यहाँ पे पाइपिंग कंसिस्टेंसी का बना रही हूँ, इसलिए मैंने दूध डाला है। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। और मैंने यहाँ पर लिया है एक स्टार नोज़ल, इसे हम डालेंगे पाइपिंग बैग में। और हमारा जितना भी कुकी का मिक्सचर है वो सारा हम इस पाइपिंग बैग में भर लेंगे। भरने के बाद अब हम बनाएंगे इससे बहुत ही ब्यूटीफुल से रोजेट्स। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, एंड अगर आपके पास स्टार नोजल नहीं हो तो आप कोई और भी नोजल लगा के कोई भी शेप बना सकते हैं। तो बस अब हम इसे 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट तक बेक करेंगे। कुकीज रेडी। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसके एजेस थोड़े ब्राउन ना होने लग जाए। देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर है। तो बहुत अमेजिंग रेसिपी, अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। खाओ पियो, मज़े करो। बाय बाय।